तो दोस्तों आज किस वीडियो में आ रहा है, हमारे पास है 10,000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी पावर बैंक का। आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस, इतना बड़ा बैटरी किसी भी मोबाइल के अंदर नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। और गाइस ना ही किसी टेबलेट के अंदर होता है, ये सिर्फ होता है तो पावर बैंक के अंदर। और गाइस यार ये पावर बैंक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है लिथियम पॉलीमर बैटरी, बिल्कुल भी लिथियम आयन नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में यार हम इसको देखने वाले कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि गाइस यार ये 4 से 5 साल पुराना हो चुका है, ये खराब हो चुका है बैटरी। इसको हम देखने वाले कि इतना ज्यादा पावरफुल ये एक्चुअल में होता कैसे है, एंड इसके अंदर क्या होता है जो इतना ज्यादा पावरफुल इसे बना देता है। क्या लिथियम आयन बैटरी के जैसे इसके अंदर सेल्स लगे होते हैं लिथियम के, या फिर इसके अंदर पॉलीमर कोई खास चीज होता है जो इसके अंदर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा गाइस खतरनाक भी होता है। अगर थोड़ा सा गाइस इसको कट करते बस इसके अंदर चार्जिंग रहेगा तो तुरंत ये ब्लास्ट कर देगा हवा के संपर्क में आते ही। जैसे ही ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा तुरंत इस ब्लास्ट करता है, यानी कि आग लग जाता है। तो आप लोग गलती से भी मत ट्राई करना और खोलने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है उसमें चार्जिंग हो और आप लोग को पता ना हो या ध्यान ना दो और खोल दो तो गलती से भी आग लग जाएगी, जिससे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हम जो भी करते हैं ये पूरे सेफ्टी के साथ और नॉलेज के साथ करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। तो इसको हम चलिए खोल के देखते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी के अंदर क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है पावर बैंक का बैटरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रहा है, क्योंकि यार ये है एल्युमिनियम का पूरा होता है ऊपर इसके साइज, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइटिंग करता है। थोड़ा सा भी लाइट ब्राइटनेस कम करो तब भी। एंड इसको गाइस जब हम खोल कर देखने वाले हैं, उससे पहले गाइस इसकी सावधानी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बड़े ही सावधानी के साथ करना है। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि इसके अंदर चार्जिंग बिल्कुल सा भी नहीं होना चाहिए, आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर चार्जिंग बिल्कुल सा भी नहीं है। थोड़ा यार लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड आप देख सकते हो इसके वायर को मैं आपस में टच कर दिया हूँ ताकि ये थोड़ा सा भी चार्जिंग इसके अंदर ना रहे, आपस में चार्जिंग ख़त्म कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अब गाइस ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। एंड गाइस हमारे पास यहाँ पर ये सामान है जो इसको कट करने के लिए, यहाँ पर एक रेजर चिमटी है, उसके बाद एक प्लास है, एंड यहाँ पर एक कटर है फाइनली। तो गाइस हम पहले इसके अंदर से थोड़ा सा छेद करेंगे ताकि इसके अंदर का जो गैस है वो निकल जाए एंड अचानक से आग ना लगे इसके अंदर। तो इसको गाइज हमने कट कर दिया है। एंड अब गाइज हम यहाँ पर इसको कट करेंगे, आप देख सकते हो गाइज बैटरी बिल्कुल नया है, बिल्कुल से अभी देख सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है जिसके वजह से ये ख़राब हो चुका था। तो इसको हम कट करेंगे, कट करना गाइज यहाँ पर थोड़ा सावधानी के साथ, वरना गाइज थोड़ा सा भी चूक। गाइज बड़ा ही डर लग रहा है बट बड़ा ही सावधानी के साथ इसको कट करना पड़ रहा है। गाइस एक स्मोक आ रहा है, पता नहीं किस तरह का गंध है ये। एंड यहाँ पर इसके कवर को हम निकाल लेंगे इसी तरह से कट करने के बाद। ये है गाइस इसके अंदर बैटरी, एंड इसको हम निकाल लेते हैं। यह है एल्युमिनियम गाइस, जब देखिए तो पूरी तरीके से बड़ा ही बैटरी ब्लास्ट हो चुका है। देखो यार यहाँ ब्लास्ट हो चुका है ना, खराब हो चुका पूरा से। तो गाइस ये है इसका बाहर लेयर, एल्युमिनियम का फॉइल है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस पर लगा हुआ था। अब गाइस यहाँ पर ये दो दो पता नहीं किस नंबर के लिए लिखा हुआ है। एंड गाइस हम इसको यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे इस पर कागज लपेटे हुए हैं, इसको हम खोल लेते हैं कागज को एंड आपको दिखाता हूँ बैटरी पूरी तरीके से। इसके अंदर कुछ लिक्विड भी है गाइस, तो बड़ा ही सावधानी के साथ इसको खोलना है, वरना हो सकता है गाइस खोलते ही इसमें आग भी लग सकता है। तो आप लोग बिल्कुल से भी इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस इसके अंदर एल्युमिनियम, गाइस इसके अंदर था यहाँ पर कुछ काला काला है। एंड गाइस यार यहाँ पर ये तो थे पोलिनियम का, लेकिन
स्पार्क ना करके ब्लास्ट कर दे गलती से। इसे चार्ज नहीं है गाइस, इसे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है। सावधानी बहुत ज़रूरी है इस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर है कुछ, यहाँ पर है ये गाइस, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने हुआ है। अभी इसके सेल्स को और हम निकालेंगे डीपली में, हम देखते हैं इसको खोलने के बाद। गाइस आप देखे तो यहाँ पर बारीकी के साथ यहाँ पर इसके अंदर क्या निकल रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंद कर रहा है ये, इसमें वजह से कोई आयल गंद कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस गलती से इसके अंदर चार्जिंग नहीं है, वरना ये ब्लास्ट कर देता, हवा के संपर्क में आते ही तुरंत आग लग जाता है इसके अंदर। आप देख रहे बहुत ज़्यादा यार, सही बहुत ज़्यादा रिलीज होते ना गैस, बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होते हैं। सेहत के लिए बर्बाद ना हो जाए, खतरनाक है का जल्दी से ना, सावधानी के साथ। गाइस जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, मैं इसको खोल ले जा रहा हूँ बैटरी को, और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। साइनिंग होता है इसके अंदर, एंड देखते हैं। गाइस फाइनल इसके अंदर, यहाँ पर ये सेल फाइनल निकल गया है इसके अंदर, जो भी था यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये था गाइस इसके अंदर इसके इलेक्ट्रोड, जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसको डिपेंड करता है, इसे भी निकाल ही देते हैं गाइस। सरा गंदा आता है ये है बैटरी, सी है बब्बे तुम्हें मार्केट। बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा था ये, एंड आपको दिखाता हूँ ये चीरने के बाद। अब देखना भाई यहाँ पर थोड़ा सावधानी के साथ, इसके अंदर खोलने के बाद गाइस दिखाता हूँ क्या निकलता है। यह गंदा आता बहुत बुरा, लेकिन पॉलीमर बैटरी बहुत खतरनाक है, कहीं चार्ज में तो ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ा सा कटिंग कर, जब मैं डर लगा तो सेहत के लिए बर्बाद ना हो जाए, मतलब ना हो जाए। एंड गाइस यहां पर हम इसको निकाले ही जा रहे हैं, देखते हैं इसमें कितना होता है क्या। रुक जा, फुल फार्म मार्क्स लाइक है, दूर से मैं आपको जाना पड़ेगा दया डरे डरे। ये खुल चुका है, तो थोड़ा सा और बाकी है। ये बहुत ज्यादा स्मूथ कर रहे हैं, तब तक कम नहीं करना थी, थोड़ा सा और बाकी है। ये हम मल गए थे 10 रुपये। वाह, हार का हुआ यार, फार के देखा जाए। फार 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 हटा सुनो फार, अब तो और गंदा है यार। गाइस ये देखो लंबोर्गिनी का लोगो। गाइस इतना बड़ा बैटरी था और इसके अंदर इतना सारा कचरा निकला, पूरा ढेर हो गया कचरे का, अभी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो गाइस ये है बैटरी पावर बैंक का, और इतना ज्यादा कचरा इसके अंदर था कि पता नहीं गाइस इसके अंदर फाउल एलुमिनियम फाइल होता है, पता नहीं कैसा होता है, इसके अंदर कुछ लिथियम होता है जो, एंड पोलिनियम होता है। पोलिनियम गाइस क्या है पता नहीं, गंद बहुत ज़्यादा तेज कर रहा है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको कुछ डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इसका स्मोक आ रहा है,
तो दोस्तों ये था लिथियम पॉलीमर बैटरी जो 10000 एमएच के पावर बैंक का था। आप देख सकते हो गाइस छोटा सा बैटरी था लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा कचरा निकला गाइस इसके अंदर। और गाइस यार इसके अंदर लिथियम नहीं निकला क्योंकि गाइस जब लिथियम बैटरी खोलो तो इसके अंदर जब ऐसे चीरो तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा यानी कि गोल्डन वाइस कुछ दिखता है यानी कि कॉपर जैसे प्लेट होता है एंड वो चमकने लगता है, वो ख़राब भी नहीं होता जल्दी से। लेकिन गाइस ये ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो इसके अंदर चीरने के बाद थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा कार्बन टाइप में कुछ है एंड ये सड़ चुका है पूरी तरीके से, जैसे टूट जा रहा है छूते खनिए जिसे खाद टूट रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर राखी जैसे हो गया है एंड इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस। तो ये है इसके पूरे डेड हो चुका ख़राब था इसके अंदर का राज। और गाइस छोटा सा बैटरी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है 10000 एमएच का, इसके अंदर इतने ज़्यादा सेल्स के रूप में लगे होते हैं यानी कि जो इसका एक पर्थ होता है इसको लपेटने के बाद इस वाले पन्नी के साथ एक सेल बन जाता है यानी कि 1.5 वोल्ट तकरीबन होता है। और ऐसे ऐसे गाइस इसको लपेटा जाता है तकरीबन 100 बार लपेटा जाता है तब जाकर ये पावरफुल बैटरी बनता है। तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा निकला जो भी था गाइस आपने देख लिया इसके अंदर, मैंने आपको लाइव दिखाया काट करके। तो अब गाइस आपको क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके बताइए एंड देख सकते हो इतना सारा कचरा है इसके अंदर। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं इस तरह की किसी नए वीडियो में नई टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।